राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी द्वारा शुक्रवार को सर्किट हाउस स्थित सभागार में निराश्रित बच्चों को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए एवं महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से आवेदकों की सुगमता के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जागरूकता शिविर के अंतर्गत बाल सेवा योजना, निराश्रित महिला पेंशन व अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही उपस्थित महिलाओं की योजना का लाभ लेने में आने वाली कठिनाइयों के विषय में संज्ञान लेकर उसका समाधान किया गया। इस शिविर में लगभग 30 महिलाएं मौजूद रहीं। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार, जिला प्रोविजन अधिकारी सर्वजीत सिंह, अपर जिला सूचना अधिकारी तथा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने कहा, बाकी गवर्नमेंट सहायता दे ही रही है और बाकी वृद्धा पेंशन अरे विधवा पेंशन क्या मिल रहा है सुना आपने कि ये विधवा पेंशन वाला फॉर्म भी भर दीजिए, वो भी सहायता आपको मिले, ठीक है ना? आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में यहाँ पे हैं? मेरा नाम कविता देवी, मैंने आज वाला था। कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे। दोनों बच्चों को आपका अभी ये कोरोना में यहाँ पे भी ना पति के बच्चे हाँ इसका देख खराब कर दिया माल माल नो ये करने आपका जा रहा है बच्चे में ना हो गया ना भी लोग हैं हमको तीन चीज में से कोई भी एक चीज नोट करा के जाएंगे, चाहे फॉर्म नंबर बोलिए, चाहे फॉर्म नंबर, चाहे आधार नंबर, चाहे अकाउंट नंबर, इन तीनों में से कोई भी एक चीज हमें नोट करा देंगे तो हम आपके स्टेटस को बता देंगे। इन तीनों में से कोई एक चीज और आपका छः महीने हो गया है तो मैं नियमता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो उसको पैसा ट्रांसफर होना चाहिए। तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम देती है। बाल सेवा आयोग विधिक प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में आज ये बैठक थी। इसमें ये मुख्य उद्देश्य था कि इस कोरोना जैसी भयंकर महामारी में जिन भी बच्चों ने अपने माता पिता खोए हैं, अपने गार्जियन खोए हैं, और या दोनों में से कोई एक, जैसे या तो माता नहीं है या तो पिता नहीं है, तो इसमें से जो भी ऐसे बच्चे हैं उन परिवारों को सरकार की तरफ से जो लाभ मिल रहा है उसमें जिन लाभार्थी लोगों का नाम आ गया था उन सबको बुलाया गया था और उन सबसे पूछा गया, उन सभी को ये जानकारी दी गई कि वो विधवा बहनें जो जिनको ये लाभ मिला है बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा मिला है उनमें अगर विधवा पेंशन फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है, अगर भर दिया है तो बहुत अच्छा, पैसे आ गए हैं तो बहुत अच्छा, नहीं भरा है तो अब से भर दें। और उनसे ये पूछा गया कि वो सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हैं, किस किस बारे में जानकारी है और किन किन बारों में जानकारी नहीं है, वैसे उनको सारी जानकारी दी गई इस कार्यक्रम के माध्यम से। और हमारे जज साहब भी आए थे तो उन्होंने भी अपनी तरफ से सारी बातें बताई, जिला प्रोबेशन अधिकारी जी थे, हमारी तहसीलदार साहिबा थी, सब ने सरकार की सारी योजनाओं के बारे में सबको बताया और ये प्रयास किया कि कुछ भी ऐसा ना हो जो उन्हें ना मालूम हो ताकि वो खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर सके और सरकार का लाभ उन तक पहुँचे, यही हम सबकी मंशा है, इसीलिए हम सब काम करते हैं। समस्या यही आई कि जो बहनें विधवा हो गई हैं पैसे तो खैर मिल रहे हैं उन्हें सरकार में, लेकिन अभी जो वो अंदर से मन से दुखी हैं,
बात करते ही उनकी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, वो परेशान हैं। तो बस उनको हमने ये हम लोगों ने ये समझाया कि सरकार की तमाम योजनाएं हैं जिसमें उनको फ्री क्या निःशुल्क सारी ट्रेनिंग दी जा रही है जिला प्रोबेशन विभाग के माध्यम से, अधिकारी के माध्यम से। वो उन चीज़ों को सीखें, अगर वो प्रयास में हैं या घर में खाली बैठी हैं, उनके पास पर्याप्त समय है, तो वो आएँ जिला प्रोबेशन अधिकारी के ऑफिस में आएँ, वहाँ सारी योजनाओं के बारे में जानकारी लें। और जो निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है, अभी तो कोरोना के नाते कुछ महीनों से बंद है, वो शुरू होने वाला है, उसमें वो भागीदारी हो और वो अपना पूरा समय दें, उससे उन्हें आर्थिक लाभ भी मिलेगा, सरकार की सहायता भी मिलेगी, और जो मन उनका टूट गया है वो मन काम में लगेगा, तो थोड़ा सा उनके लिए सहारा बनेगा, उनको संबल प्रदान होगा और जीवन जीने में उन्हें आसानी होगी। यही हम सबका प्रयास था।